राजधानी भोपाल से हमारे संवाददाता संतोष योगी की खबर। सफाई मित्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने की सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष और प्रमुख सचिव नगरीय विकास से भेंट। मध्य प्रदेश में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करौसिया और प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई से मध्य प्रदेश स्वच्छ भारत सफाई मित्र संगठन के साथ विभिन्न ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भेंट की। प्रतिनिधियों ने समस्त सफाई कामगारों की समस्याओं को प्रमुख सचिव के सामने रखा। करौसिया ने दैनिक वेतनभोगी सफाई कामगारों के नियमितीकरण, अनुकंपा नियुक्ति नियम में सरलीकरण, ठेका प्रथा की समाप्ति, मेडिकल आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर परिजनों को नियुक्ति एवं रोस्टर प्रणाली के नियम में शिथिलता जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने मध्य प्रदेश को स्वच्छता का सिरमौर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रदेश के समस्त स्वच्छता मित्रों को बधाई दी। मंडलोई ने कहा कि 2007 से 2016 तक मस्टर रोल पर निरंतर कार्य करने वाले सफाई कामगारों के आंकड़े निकायों से मंगाए जा रहे हैं। इन्हें विनियमित करने की प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारंभ होगी। प्रमुख सचिव ने कहा कि विभाग अपने स्तर पर सफाई कामगारों की समस्याओं के निपटारे के लिए पूरे मनोयोग से प्रयासरत है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग पूरी तरह से गंभीरता से स्वच्छता मित्रों के हित के लिए कार्य कर रहा है। शासन की समस्त योजनाओं का लाभ भी सफाई कामगारों को मिले, इसके प्रयास भी किए जा रहे हैं। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव ने कहा कि प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कामगारों को वेतन समय पर मिले, इसके लिए संचालनालय स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण भी अभियान चलाकर निपटाए जा रहे हैं। इस अवसर पर आरती नरवारे सहित समाज के पदाधिकारी मौजूद थे। राज्य आयुक्त महोदय के साथ बैठक हुई, क्या निर्णय हुआ? आज मध्य प्रदेश के 10 संभाग के सफाई कामगारों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की आज बैठक रखी गई थी। उसमें स्वच्छ भारत मिशन मध्य प्रदेश सफाई कामगार संगठन के लगभग 50 प्रतिनिधि 10 संभाग से यहाँ उपस्थित हुए और हमारे नगरी आवास एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई जी और हमारे मध्य प्रदेश नगरी निकाय के आयुक्त भरत यादव जी, अपर आयुक्त शिवम वर्मा जी और इसी के साथ हमारे सफाई कामगारों के वरिष्ठ प्रतिनिधि हमारे विष्णु भारती जी, शैलेश गिरजे जी, दीना पवार जी, अशोक वाल्मीकि जी और हमारा जो महिला विंग के नेतृत्व करती है मधु वाल्मीकि जी और हमारे रीना नरवरिया जी और ऐसे हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश के सफाई कामगारों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ उनके समक्ष सफाई कर्मचारी आयोग की पहल पर संपूर्ण प्रशासन यहाँ बैठा उनके बीच और जितने भी हमारे 2007 से 2016 तक जो दैनिक वेतन भोगी 7 में भी कार्य करते थे और 16 में भी, ऐसे दैनिक वेतन भोगियों को विनियमितकरण करने का आदेश मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव 2-3 दिन में ही जारी करेंगे और निश्चित उससे जो हमारा दैनिक वेतन भोगी मास्टर कर्मचारी सफाई कामगार वो जो अभी 9,000 रुपये का वेतन प्राप्त करता है उसको लगभग 18,000 रुपये का वेतन हो जाएगा। इसी के साथ 2007 में जिन दैनिक वेतन भोगियों को 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं उन्हें रिक्त पद पर स्थायीकरण करने के भी आदेश दिए गए हैं, तो हमारे कर्मचारी परमानेंट होंगे। इसी के साथ अनुकंपा नियुक्तियों का सरलीकरण, सफाई कामगार की मृत्यु होने पर एक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी, चाहे उसके घर में कोई भी शासकीय सेवक हो, अन्य जगह नौकरी करता हो, परिवार की सहमति के आधार पर उसे नौकरी मिलेगी। इसी के साथ जो सफाई कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमारे नगरी निकायों में जितने भी वाहन जो लगते हैं उनके लिए लोन मेला लगाकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में
सफाई कामगारों के को वाहन दिलाए जाएंगे और 75,000 रुपये महीने पर नगरीय निकायों में अटैच किए जाएंगे और 4,25,000 रुपया उनको अनुदान सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम से मिलेगा। इसी के साथ आवास हो, उनके दुकान हो, रोजगार धंधे हैं, ऐसे अनेकों निर्णय यहाँ आज हुए हैं। और जो सफाई कामगारों का हमारे सफाई में जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को सफाई की नौकरी में प्राथमिकता दी जाए, रोस्टर नियमों में भी संशोधन करने की यहाँ पर चर्चा हुई है। इसी प्रकार जो सफाई कर्मचारियों के स्थायी पद हैं, उन्हें 2014 की संविदा कार्मिक सेवाएं जो लागू की है, उस सेटअप में 67% पद जो सफाई कामगारों के संविदा नियुक्ति में डाल दिए हैं, उन्हें वापस लाकर 100% पद सफाई कामगार से ही भरा जाए, ये निर्णय भी हुए हैं। और इन सबका 2-3 रोज में आदेश परिपालन होंगे, जहाँ कैबिनेट में जिस स्तर को के मुद्दे हैं जो जाना है, उनकी भी समीक्षा करके प्रमुख सचिव ने यहाँ पर समस्त प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि मैं 2 दिन के भीतर ये सारी समीक्षा करके दिशा निर्देश जारी करूँगा। सर, चुनाव से पहले बड़ी सौगात बाल्मी समाज को मिलने जा रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री वाल्मीकि समाज ही नहीं, संपूर्ण अनुसूचित जाति वर्ग का, गरीबों का ध्यान रखते हैं और इनके लिए भी, सफाई कर्मचारियों के लिए भी बड़ी योजनाएं बन रही हैं। और निश्चित ये सौगात जो आज जो सफाई कर्मचारियों को वर्षों से नहीं मिली थी और ये 2-3 दिन में मिलेगी, तो निश्चित इसका लाभ भी सरकार को मिलेगा। दीदी, नाम बताइए पहले। नाम बताइए आपका। मेरा नाम मार्केट नरवाल है। और आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के परिवार में बहुत उत्साह है और आस लगा के बैठे हैं कि हो सकता है हमारी दीपावली इस 2-3 दिन के अंदर मन जाए। वो हमारे आयोग के अध्यक्ष जी के माध्यम से बहुत बड़ी सौगात हमारे सामने आ रही है, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आरती जी, आप भी लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से दौरे कर रहे हैं, क्या इससे बाल्मी समाज को एक नया दिशा मिलेगा? बिल्कुल लग तो रहा है ऐसे, ऐसा देखते हुए कि बिल्कुल हमारी दीपावली अभी मनेगी 2-4 दिन में, लोगों के परिवार में खुशियाँ आएंगी सफाई कर्मचारियों के, क्योंकि जहाँ तक अभी तक तो आक्रोश चल रहा था सफाई कर्मचारियों का, लेकिन हम पार्टी का नेतृत्व करते हैं इसलिए हमने आक्रोश को कहीं ना कहीं संभाल के रखा सफाई कर्मचारियों को, और इस तरीके से धरना प्रदर्शन सब ये सब बंद करा के रखा है, इसलिए कि हमें आशा थी सरकार से कि हमारे लिए सरकार कुछ अच्छा सोच के रखेगी, तो उम्मीद है कि हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेगी सरकार। नमस्कार, मैं रवि कुकर और कर्मचारी मोर्चा के यशस्वी अध्यक्ष माननीय प्रताप कौशिया के अथक प्रयासों से आज जिस तरह से नगरीय प्रशासन के माननीय सचिव महोदय नीरज मंडलू जी के माध्यम से जो सफाई कर्मचारी वर्ग के जितने भी मध्य प्रदेश के संगठन हैं, उन सभी संगठनों के सभी प्रमुख पदाधिकारियों की मीटिंग सचिवालय नगरीय प्रशासन का आयोजित की गई और इसमें बड़े निर्णय लिए गए। आप यकीन मानिए कि वाल्मीकि समाज के लिए, सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए आज दिवाली का दिन है। निश्चित तौर पर दिवाली थोड़े समय बाद आने वाली है, लेकिन आज सभी के मन में जो गुलझड़ियाँ फूट रही हैं, ये इसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, पूरा धन्यवाद ज्ञापन करते हैं मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं राज्य कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप जी कौशिया को, जिनके अथक प्रयासों से संपूर्ण मध्य प्रदेश के सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे। हर व्यवस्था में सफाई कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था में, चाहे वो उनकी विनियमित की बात हो, चाहे वो स्थायी करने की बात हो, चाहे उनके आवास की बात हो, चाहे उनके उद्योग धंधों की बात हो, हर व्यवस्था में माननीय प्रताप कौशिया जी का ये भगीरथी प्रयास आज निश्चित तौर पर सफल हुआ है। और आगामी दिनों में, आगामी कुछ घंटों में एक ऐसा समाचार नगरीय प्रशासन के माध्यम से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान जी के माध्यम से ये प्रताप कौशिया जी का अथक प्रयास यहाँ सफल हुआ है। और निश्चित तौर पर ये शब्दों को बयां करने वाली बात नहीं है, एक 50 वर्षों का जो समय मात्र 16 अप्रैल से आज दिनांक तक 52 जिलों का सक्रिय दौरा करने के बाद और पूरे एक निचोड़ निकालने के बाद जिस मथनी को मथा और आज उस मथनी का मक्खा निकला, ये आप कह लीजिए, आज कुछ ही घंटों बाद या
एक से दो दिन बाद मध्य प्रदेश का संपूर्ण वाल्मीकि समाज दीपावली मनाएगा और उसका पूरा श्रेय राज्यसभा कर्मचारी आयोग के शिष्य अध्यक्ष माननीय प्रताप खोसिया जी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश को जाता है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जाता है और वो सभी अधिकारी जिन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर पूरी सक्रियता के साथ समन्वय के साथ सफाई कर्मचारी वर्ग के समस्त संगठनों के साथ पदाधिकारियों से जो मुलाकात की है, जो बात उनकी मानी, जो बात उन्होंने रखी थी, उनको नियमानुसार पूरा किया जा रहा है। इसके लिए सभी साधुवाद के पात्र हैं। विशेष तौर पर मीडिया ने भी इस बात को बहुत समय उठाया था और मीडिया भी इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है। मैं रवि खोकर। सर नाम दोबारा बताइए। रवि खोकर, इंदौर, मध्य प्रदेश, वाल्मीकि।